राशन सेतु डिपार्टमेंटल स्टोर, मंगाए घर की सभी जरूरतों का सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। अभी डाउनलोड करें हमारा ऐप प्ले स्टोर से या हमें व्हाट्सएप करें 7455005450 पर। पता सुहाग नगर माता मंदिर के सामने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी और हमारा नया चैनल वी भारत। खबरें सबसे तेज और सबसे पहले देखने के लिए वी भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। ये खबर है फिरोजाबाद से। धबरई स्थित सीएमओ कार्यालय पर हुई प्रेस वार्ता, मीजल्स रूबेला अभियान को लेकर दी जानकारी। बता दें, फिरोजाबाद धबरई स्थित सीएमओ कार्यालय पर हुई प्रेस वार्ता, मीजल्स रूबेला अभियान को लेकर सीएमओ द्वारा मीडिया को विस्तृत जानकारी दी गई। धबरई स्थित सीएमओ कार्यालय पर मीजल्स रूबेला एमआर अभियान को लेकर सीएमओ डॉक्टर दिनेश कुमार प्रेमी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया, ये अभियान 3 चरणों में है। पहला 9 जनवरी, फिर फरवरी और मार्च में। बता दें, मीजल्स अर्थात खसरा और रूबेला दोनों के अगर फर्स्ट और सेकंड डोज के टीके लग जाएंगे तो निश्चित रूप से हम खसरा का उन्मूलन कर पाएंगे। ये अभियान आशा, आंगनबाड़ी, प्रशासन, ANM सभी लोगों के सहयोग से चलाया जाएगा। कहा, हमने एक सूची तैयार की है ANM और आशा द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार, जिसमें 0 से 1, 1 से 2, 2 से 5 वर्ष वाले बच्चे हैं जो बुध और शनिवार को पहला टीकाकरण और सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को MR अभियान होगा। लिस्ट तैयार है। कहा, हम उन्हें बुला बुलाकर CSN साइट पर टीकाकरण कराएंगे। कोविड को लेकर भी इस दौरान अहम जानकारी दी गई। आपके लिए मंगल को ऑनलाइन हम एक सूचना आपको आज उद्देश्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुलाने का उद्देश्य यह है कि MR कैंपेन यानी कि अभियान चलना है मिजल्स और रूबेला का। जैसे कि लोग हम जानते हैं, जो खसरा होता है, खसरे से बच्चे को, जो छोटे बच्चे होते हैं, काफ़ी खतरा होता है और उसमें शरीर में लाल दाने और बुखार और गले खराब होता है, जिसकी वजह से निमोनिया या डायरिया से बच्चे की डेथ भी हो सकती है। काफ़ी खतरनाक है। और सेम रूबेला है, रूबेला में क्या होता है कि गर्भवती जो होती है, अगर तो उसमें इन्फेक्शन होता है। अगर बच्चे को, अगर माँ को रूबेला से इन्फेक्शन होगा तो बच्चा जो है विकलांग मानसिक रूप से पैदा हो सकता है। ये क्योंकि कोविड आ गया था, उससे पहले MR का अभियान था। 2 टीके लगते हैं, जो 9 महीने के बाद पहला डोज MR का, उसके बाद उसके 6 महीने बाद सेकंड डोज लगता है। और भारत इंडिया से हमें, हिंदुस्तान से हमें MR को इलेमिनेशन करना है। इलेमिनेशन करने के लिए ये हमें विशेष कार्यक्रम है, जो जनवरी 9 जनवरी से पहला कार्यक्रम शुरू होगा, जो 20 जनवरी तक चलेगा, 13 फरवरी से 24 फरवरी तक चलेगा, उसके बाद 13 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा। ये 13 मार्च से 24 मार्च 3 चरणों में कार्यक्रम होगा। तो हमने उनकी आइडेंटिफिकेशन कर लिया छोटे बच्चों की, 0 से 1 साल का, 1 से 2 साल और 2 से 5 साल की लिस्ट तैयार कर ली है और उसको हमने इकोस्पेंटिक कर दिया है, माइक्रो प्लान बन गया है। 9 तारीख से हम इस अभियान को पूरे उत्तर प्रदेश में 9 तारीख से अभियान शुरू होगा। तो बुध और शनिवार को भी जो टीकाकरण कर रहे हैं, नियमित टीकाकरण होगा और सोमवार, मंगल और बृहस्पति, शुक्रवार को ये MR का होगा। तो हम सभी से अपील करेंगे कि जिसके बच्चे पहला डोज, अगर किसी को छूट गया MR का तो पहला डोज लगवा लें, अगर पहला डोज लग गया दूसरा डोज छूट गया दूसरा डोज लगवा लें। तो मैं आपके माध्यम से सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस अभियान में हमारा साथ दें, आप लोग सब लोग साथ दें और अपने बच्चे को और अपना लोग को यानी कि मेजर रूबेला से बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दीदी कहाँ हो तुम? तुम्हें अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहा है, तो जल्दी करो। सॉरी यार, लेट हो गया। 5 बजे की अपॉइंटमेंट थी और हम लोग फिर से लेट हो गए। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जा। माँ बनना दुनिया का एक खूबसूरत एहसास है। इसका ख्याल रखने के लिए 9 महीने आपको कंप्लीट केयर देने के लिए आ गया है उम्मा प्रेगनेंसी केयर। उम्मा आपका और आपके बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा। आप घर बैठे भी हमें संपर्क कर सकते हैं।
24/7 आपकी सुविधा हमारी संतुष्टि। बस कॉल कीजिए 8954000174 पर। सुषमा सेवार्थ प्रशिक्षण संस्थान स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प। वर्तमान प्रशिक्षण सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन मेहंदी निवेदिका, वर्तिका जैन, अनु बंसल, पूनम गुप्ता, ऋतु रानी वाला, निधि जैन, रेनु अरोरा, सौम्य चौहान, सीमा अग्रवाल। प्रशिक्षण स्थान SS प्लांट बुर्गन ट्रांसपोर्ट के बगल में मीरा चौराहे के सामने फिरोजाबाद। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ 22 फरवरी 2022 से चल रहे।